हेलो वेलकम गेन पी आर सॉल्विंग इंजीनियरिंग सर्विस पी 2017 पेपर क्वेश्चन नंबर 102 इज ए फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ रुपीज 8 लाख इज 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ द इन्वेंट्री टर्नओवर इज इम्प्रूव्ड टू 8 विद द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिमेनिंग द सेम ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड इज आइदर रिलीज फ्रॉम और गेट्स एडिशनली इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन ए रुपीज 1,60,000 इज रिलीज ऑप्शन बी 1,60,000 इज एडिशनली इन्वेस्टेड ऑप्शन सी रुपीज 60,000 इज रिलीज एंड ऑप्शन डी रुपीज 60,000 इज एडिशनली इन्वेस्टेड सो हियर फर्स्ट के द इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 एंड कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड सोल्ड इज 8 लाख सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट इन्वेंट्री कॉस्ट that is 1,60,000. In the second case, the inventory cost is as inventory turnover is 8 and cost of goods sold is same. So inventory cost is 1 lakh. So funds released from inventory is difference of 2. So that is 1,60,000 minus 1 lakh. So that is 60,000. Option C is the right answer.